अध्याय चार, त्योहारों का देश, जो कि हमारा भारत देश है। इस कविता में हम भारत देश में मनाए जाने वाले हर छोटे बड़े त्यौहार, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ईद, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि छोटे बड़े त्यौहारों का वर्णन करेंगे। किस प्रकार हमारे देश के भारतवासी इस हर छोटे बड़े त्योहारों को खुशी और उमंग के साथ मनाते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। हुलस रहा, हुलसने का अर्थ होता है प्रसन्न होना। माटी, माटी का अर्थ है मिट्टी। का कण कण, कण का अर्थ होता है टुकड़ा। उमड़ रही रसधार है, कहने का अर्थ है कवि यही कहना चाहता है कि इस भारत देश की मिट्टी का कण कण हर टुकड़ा प्रसन्न होता रहता है, उमड़ रही रसधार है और यहाँ प्रेम की रस धार बहती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यह हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहा गया है और हमें इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, कहने का अर्थ यह है कि मन भावन यानी मन को भाने वाला या अच्छा लगने वाला। सावन महीना आता है और सावन महीने में जैसे रिमझिम बारिश आती है, वही वहां पर चारों ओर धरती के चारों ओर हर तरफ हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है या फूला नहीं समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। ये एक तरह का मुहावरा भी कह सकते हैं हम इसे। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। राखी के दिन हर बहन अपने भाई के राखी बांधकर और उसके ललाट पर तिलक लगाकर बहुत ही प्रसन्न नजर आती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है और सावन के महीने में घर के बाहर बगीचों में बागों में झूले ही झूले दिखाई नजर आते हैं और सारी महिलाएं सावन के गीत गाती नजर आती हैं और वही राग मल्हार है। मल्हार एक तरह का राग है जिसे सावन महीने में गाया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा, दिवस का अर्थ होता है दिन। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। आज़ादी का दिवस है हमारा 15 अगस्त, जो हम हमारे पूरे देश में हर विद्यालयों में मनाया जाता है और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है और आज़ादी के दिन हमें जो हमारे देश के लिए बलिदान हो गए उन वीर शहीदों की गाथा यानी कहानी है। हमें उनकी याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है और इस दिन वीर शहीदों की कहानियाँ जब हमें याद आती है तो हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है और हम माँ की जय जयकार करते हुए हम अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे है। हमारे भारत देश में प्रति वर्ष विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली पर दीप दान फूल जड़िया खील बताशे हैं। दिवाली पर लोग दीपों का दान करते हैं, फूल जड़िया पटाखे आदि छोड़कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों के कैसी भरमार है और दीपावली के दिन हमारे पटाखों की आवाज़ों से और पटाखे की आवाज़ों की भरमार सुनाई देती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सिवैया सबकी मन को भाती है। हमारे भारत देश में सब भाईचारे के साथ आपस में मिलकर हर छोटे बड़े त्यौहार मनाते हैं और वही भाईचारे का संदेश लेकर हमारे देश में एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसे ईद कहा जाता है। इसे मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं और इस त्यौहार पर मुस्लिम धर्म के लोग मीठी खीर सेवैया आदि बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाकर मुँह मीठा करवाते हैं।
खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। क्रिसमस के त्यौहार पर सेंटा क्लॉज बच्चों को खिलौनों का उपहार देते हैं और इसे भी हमारे देश में मनाया जाता है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। लोकतंत्र की झांकी के दिन यानी 26 जनवरी के दिन हमारे देश में लोकतंत्र की झांकी मनाई जाती है और यह बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाती है। इस दिन 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी के दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है और बसंत ऋतु आते ही सुगंधित फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है और यहाँ होली त्यौहार ढोल मंजीरे बजाकर, नाच गाकर, रंगों के साथ और एक दूसरे को रंग लगाकर आदि खुशी के साथ मनाया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इस प्रकार हमने पढ़ा इस कविता में कि हमारा देश त्योहारों का देश कहा गया है। इसमें चाहे हिंदू धर्म के त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम धर्म के त्यौहार हो, चाहे सिख धर्म के त्यौहार हो, चाहे ईसाई धर्म के त्यौहार हो, सभी मिलजुल कर खुशी के साथ मनाए जाते हैं। अब बच्चों देखिए इसी के अब बच्चों देखिए इसी के आगे इस पाठ के शब्दार्थ है। हुलसना मैंने बताया था कविता में, प्रसन्न होना, गाथा यानी कहानी, खुशबू का अर्थ होता है सुगंध, फूलों की खुशबू या सुगंध भी कह सकते हैं, मल्हार जो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है, रसदार यानी रस की धारा। इन तीनों इन शब्दार्थों को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, यह आपका गृह कार्य है। और इसके साथ ही पहला प्रश्न है आपका, त्योहारों का देश किसे कहा गया है, तो हम इसे करेंगे, इसी का उत्तर हम इस आगे लिख लेते हैं। त्योहारों का देश, त्योहार का देश भारत देश को कहा गया है, ये इसका उत्तर एक बार मैंने किताब में लिखा और उसके बाद आपको कॉपी में भी लिखना है। प्रश्न के बाद उत्तर, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है, ये प्रश्न क्रमांक उत्तर क्रमांक दो, आज़ादी के दिन तिरंगा हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है। अब अगला प्रश्न आपके तीसरा है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कविता में बताया था, आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। यह आपका गृह कार्य और आपको कॉपी में भी लिखना है।